लंबे समय के प्रयासों के बाद आज इंदौर एयरपोर्ट से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट रवाना हुई। पहली फ्लाइट में जाने वाले यात्रियों का स्वागत मालवी पगड़ी पहनाकर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर एवं सांसद सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, एयर इंडिया के CMD अश्विन लोहानी एवं एयरपोर्ट डायरेक्टर आरिमा सान्याल मौजूद रही। इंदौर एयरपोर्ट से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट रवाना होने पर यात्रियों का सम्मान मालवी पगड़ी पहनाकर किया गया। इस फ्लाइट में 153 पैसेंजर रवाना हुए, जबकि फ्लाइट की कैपेसिटी 170 पैसेंजर थी। एयरपोर्ट डायरेक्टर आरिमा सान्याल के अनुसार सांसद शंकर लालवानी, एयर इंडिया के एग्जिट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरिमा सान्याल के अनुसार इंदौर से दुबई और दुबई से इंदौर आने जाने का किराया काफी कम है। 17,900 रुपये का किराया रखा गया है, जो काफी न्यूनतम है। इंदौर से जाने वाले यात्रियों का स्वागत मालवी पगड़ी पहनाकर किया गया। शुभारंभ के अवसर पर दो लकी ड्रॉ भी निकाले गए, जिसमें इंदौर दुबई इंदौर जो ट्रेवल एजेंसी ने दिया, वही एयर इंडिया की तरफ से इंदौर दिल्ली लंदन का एक टिकट एक कपल को दिया गया। आरिमन सान्याल ने बताया कि इंदौर से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगी। इंदौर एयरपोर्ट आज कस्टम नोटिफाइड हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने से और जल्दी और भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब इंदौर से शुरू होंगी। सान्याल के अनुसार इंदौर से दुबई के व्यापारिक रिश्ते भी सुधरेंगे। वहीं इंदौर से जो पेरिशेबल कार्गो है वो भी आसानी से और समय रहते पहुंच पाएगा। सान्याल के अनुसार पहले इंदौर से 106 फ्लाइट का आना जाना मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन जेट एयरवेज बंद होने के बाद कुछ फ्लाइट कम हुई थी, लेकिन इस फ्लाइट के बाद एक बार फिर मूवमेंट बढ़ गया है। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में आज इंदौर से दुबई जाने के लिए पहला टिकट खरीदने वाले युवा बिजनेसमैन अंकित पाटीदार का विमानतल पर स्वागत किया गया। और आखिरकार इंदौर एयरपोर्ट से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने उड़ान भर ली। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।